जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार यानी इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। मगरबी बंगाल में इस मरतबा इलेक्शन 8 मरहलों में होंगे। असेंबली इलेक्शन के शेड्यूल के मुताबिक पहले मरहले में 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। असेंबली इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही रियासत में सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई है। ममता बनर्जी की क्यादत वाली तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट इस मरतबा सियासी जंग में अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगी। ममता बनर्जी की क्यादत वाली हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस मुसलसल तीसरी मरतबा इकतदार पर कब्जा करने के लिए बेचैन है और अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ बीजेपी अमित शाह, जेपी नड्डा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मदद से असद मगरबी बंगाल में पहली मरतबा हुकूमत बनाने का ख्वाब आँखों में सजाने लगी है। मैं तनवीर बिन नाजिम कलकत्ता हाईकोर्ट एडवोकेट बोल रहा हूँ। ये इलेक्शन कमिश्नर ने जो ऐलान किया है मगरबी बंगाल में 8 फेज में, ये बिल्कुल गलत है। जबकि और जगह पांडिचेरी या तमिलनाडु जहाँ जहाँ भी ये इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ एक मरहले में हो रहा है या 8 मरहले में हो रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये बीजेपी के ईमा पर, बीजेपी के कहने पर इलेक्शन कमीशन ने 8 फेज में इलेक्शन रखा ताकि इस बीच में बीजेपी को अपना खेल खेलने का मौका मिले। मैं यही कहता हूं कि जो लोग भी वोट दें सोच समझ कर दें। पार्टी मगरबी बंगाल में मुनाफरत फैलाना चाहती है, जहर फैलाना चाहती है, मैं इसके सख्त मुखालफत करता हूं। अच्छा, अभी ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी भी आ चुके हैं। हाँ, ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी जो आए हैं वो सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि बराह करम अपना दिमाग सोच समझ कर दें ताकि वोट बर्बाद ना हो। इसका फ़ायदा बीजेपी को ना जाए, फिरकाप्रस्त पार्टियों को ना जाए। मैं ये नहीं कहता कि किस पार्टी को वोट दो, लेकिन अपना वोट बर्बाद ना करो। ओवैसी को अगर देना है तो ये वोट बर्बाद करने के मुतरादिफ होगा। आम लोगों की इस इलेक्शन से कितनी उम्मीदें हैं? आम लोगों की इस इलेक्शन से उम्मीदें हैं, ये उम्मीद है कि ममता बनर्जी की हुकूमत फिर आएगी तो वो जो काम कर रही हैं वो, मैं ये समझता हूँ कि हिंदू मुस्लिम को बालाए ताक रखकर बिला तफरीक मजहब मिल्लत वो काम कर रही हैं और वो अच्छा काम कर रही और अच्छा काम करेंगी। उम्मीद तो बहुत है लेकिन अभी माइंड डिवाइड कर दिया जा रहा है हर आदमी का। अभी आदमी कंफ्यूज है कहाँ जाए कैसे, इसलिए कि जो माहौल अभी आ रहा है दूसरे कैंडिडेट हैं यहाँ के और जो नए आएंगे उसके उम्मीदवार से अभी टीएमसी का और ये कोई भी पार्टी अभी कहीं बताया नहीं आ सकता क्या होगा। अच्छा, इसमें तो अब्बास सिद्दीकी और अवेसी भी आ रहे हैं, इनका कोई चांसेस नहीं है बंगाल में, कोई चांस नहीं। ख्याल दीदी फिर से रहेगी पश्चिम बंगाल की सीएम बनी, इतिहास में आएगी फिर से वापस। मुसलमानों को उनसे कितनी उम्मीद है? देखिए मुसलमानों को तो उम्मीद ही अभी नहीं बता सकता क्योंकि एक और कैंडिडेट खड़ा हुआ है असदुद्दीन अवेसी, ठीक है, वो पता नहीं क्या करेगा आने वाला वक्त। तो अब्बास सिद्दीकी और अवेसी को वोट देंगे क्या? नहीं, वो तो अभी अंदर की बात नहीं बता सकता है देंगे कि नहीं देंगे। दीदी जब यहाँ है तो फिर और किसी का जरूरत नहीं है, ठीक है। जब से 500 का पाबंदी निकला तब से बर्बादी और क्या। ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सब कुछ का, बहुत सुविधा दी है, सब कुछ अच्छा दिया है। अरे मोदी ने कुछ किया जाकुन दिए আমাদের তপসিয়া অঞ্চলে এসে বালিগঞ্জ কেন্দ্রেতে তখন দিয়ে আমাদের দিদি খুব ভালোই কাজ করছে, কোনো খারাপ কাজ করেনি, কোনো অসুস্থ। এই যে বিজেপি যখন দিয়ে আসছে তখন দিয়ে সব টাইম গন্ডগোল, লোডবন্দির টাইমে ভি এইরকম অবস্থা হয়েছে। কলকাতা থেকে এটি ভারত কে লিয়ে শমশের আলী কি রিপোর্ট।